नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमावत आपका भाई स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MK Blogs में। दोस्तों आज की नई लोकेशन पे विजिट करने हम निकल रहे हैं क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, तो आज फोर व्हीलर लेके निकल रहे हैं क्योंकि लोकेशन भी काफ़ी दूर और करीबन 10 बज चुके हैं, तो करीबन ज़्यादा दूर नहीं है लोकेशन, करीबन 40-50 किलोमीटर दूर है। ठंड है, ठंड के कारण आज सारे हमने पहन भी लिए, इंतजाम कर लिया है और बाई कार हम निकल रहे हैं। और जो जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं वो लोकेशन है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डेंजर लोकेशन है, बाकी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो आइए भाई चलते हैं। तो दोस्तों आधी आधी रात को इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपसे हमारी हिम्मत बढ़ती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और आप जितना सब्सक्राइब करोगे तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी और अच्छे से अच्छे हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी और अच्छे से अच्छे हम ब्लॉग के आपके लिए बनाएंगे और इतनी रिस्क लेंगे। तो दोस्तों लोकेशन है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि लोकेशन है कि इधर पास में एक जंगल पड़ता है, वहाँ आसपास के गांव वालों ने हमें जानकारी मिली है कि वहाँ कुछ अघोरी रहते हैं और काफ़ी वर्षों से वहाँ रह रहे हैं और वो तपस्या करते रहते हैं। तो आज इच्छा हो गई कि आज उनसे मुलाकात की जाए और बात की जाए उनके बारे में, कुछ जानने की कि वो अपने जीवन में क्या करते हैं क्या नहीं। तो वो लोकेशन बिल्कुल यहाँ से अब करीबन 31 किलोमीटर और दूर, और बिल्कुल आगे हमें बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से होते हुए जाना पड़ेगा। हो सकता है हमें वो वहाँ नहीं मिले या नहीं मिले, लेकिन गांव वालों के हिसाब से के वर्ष हो गए उनको वहीं वो मिलते हैं अघोरी बाबा, आज उन्हीं की तलाश में हम निकले हैं। तो देखते हैं कि अघोरी बाबा हमें मिलते हैं नहीं, और हम उनसे जो हमारे मन में जो सवाल है प्रश्न है वो बिल्कुल पूरा। और आप देख सकते हो दोस्तों के बिल्कुल करीब करीब पूरा जंगल है, ये एकाध मकान इस जंगल में बीच में बने हुए हैं वो जरूर मिलेंगे आपको, बाकी इंसान कोई नहीं दिखेगा आपको इस रोड पे, क्योंकि सर्दी का टाइम भी है, सब दुबक गए होंगे बिस्तर में। और वैसे भी ये लोकेशन जिस हिसाब से है
दोस्तों सफ़र काफ़ी लंबा है तो वीडियो इतना लंबा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पॉज करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक ये पूरी डामर रोड, और अब जो अपनी असली जो लोकेशन की जो जर्नी है वो होती है यहाँ से स्टार्ट। ये आप देख सकते हो ये रास्ता, ये यहाँ से लेफ्ट टर्न। ये पूरा जंगली एरिया पड़ता है, पूरा जंगली एरिया है जो कि कम से कम 10 से 15 किलोमीटर पूरा खतरनाक जंगल है और जंगली जानवरों से बिल्कुल घिरा हुआ है। गांव वाले बताते हैं कि इसी, अभी तो रास्ता दिख रहा है लेकिन आगे जाके बिल्कुल रास्ता भी नहीं रहेगा, तो हमें गाड़ी पार्क करके फिर पैदल करीबन 2-3 किलोमीटर पैदल शायद चलना पड़े। देख सकते हो दोस्तों आप बिल्कुल पूरा ये खतरनाक जंगल पूरा। दोस्तों सर्दी काफी ज्यादा ठंड हो चुकी है और अब दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रास्ता बिल्कुल छोटा होता जा रहा है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलें। दोस्तों भाई 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 हाँ। भाई कुछ दिख रहा है? हाँ, वहाँ पे कुछ क्या है ये? क्या कोई जानवर है क्या? क्या है ये? हाँ ये है? अजीब से। अरे बाप रे, क्या ये जानवर है या क्या है इसे? रुको एक सेकंड। ये तो दो अपनी साइड ही आ रहे हैं। अरे भाई क्या है ये? ये पता नहीं है क्या है ये? फिर भाई एक सेकंड। भाई देख भाई भाई हाँ। चेहरा देख भाई है? भाई राक्षस है कोई? हाँ भाई जानवर तो नहीं, राक्षस है कोई ये तो? भाई वो अपनी तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। भाई क्या करें? वापस चल गाड़ी इधर से। हाँ। भाई कैमरा पकड़, पुर्ची पकड़ जल्दी भाई पकड़। पीछे क्या है भाई? पीछे देख, पीछे क्या है? चलो चलो वो अपनी साइड ही आ रहे हैं। रुक भाई एक बार, वापस दिखा उधर, वापस दिखा। दोस्तों
आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर। हम लोकेशन पे जा रहे थे और रास्ते में ये पता नहीं ये जानवर है या कोई राक्षस है क्या है तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो भी है ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है। लेकिन इंसान तो नहीं है ये, इंसान तो नहीं है ये। वो पास में आ रहे हैं है? फिर भाई 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 हाँ। भाई निकल, पकड़ भाई, भाई पकड़, भाई पकड़, भाई आगे वो आ रहे हैं, चलो फटाफट चलो भाई, कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर भाई, भाई वो आ गए।